देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। हजरत चांसा वाली दरगाह पर चल रहे उर्स महोत्सव का अंतिम दिन हुआ महामुकाबला। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चांसा वाली दरगाह पर उर्स महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें नामी गिरामी कव्वालों ने शिरकत की। उर्स के अंतिम दिन कव्वाली का महामुकाबला हुआ। हमारे इन फनकार को जनाबे दानिश सामीन साहिब और उनके हमनदा और दिन भर खाली पड़े रहे दफ्तर, नहीं हो सका कोई काम। लिपिक संवर्ग की हड़ताल के चलते सोनादिका कलेक्ट्रेट कार्यालय, वेतन में विसंगतियों के चलते लिपिक संवर्ग वर्ग ने हड़ताल का आह्वान किया था। अरे नहीं, हम तो वैसे ही पी लेते हैं। अब हमारे क्या एक पी हुए तो चले जाते हैं दफ्तर के जाने। और यहाँ पे कौन कौन नहीं है? मैडम बैठी बैठी काम तो कर रही है। हमारी वेतन विसंगति को लेकर, ग्रेड पे के संशोधन को लेकर आज सामूहिक अवकाश पर हैं। हमारे यहाँ फोर्थ क्लास और लिपिक वर्गीय कर्मचारी सारे स्ट्राइक पे हैं। 80% फार्म हमारे जमा हो चुके हैं। 20% फार्म जो हमारे रह गए, हमारे कुछ साथी बाहर चले गए थे या कहीं किसी कारण से अवकाश उन्होंने नहीं लिया है, ऑफिसों में बैठे हुए हैं। तो हम सारे लोग अभी इकट्ठे होकर हमारे भाइयों के पास जा रहे हैं। यदि प्रेम से उनको काम करना है तो गुलाब के फूल देकर उनका स्वागत करेंगे हम। और अगर हमारे साथ आ जाएंगे, हमारा साथ देने के लिए प्रेम से हमारे साथ लेके आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिपिक पंचायत महाटू बुलाई 2016 में, और उस महापंचायत में बल्लभ भवन गेट नंबर 1 के सामने ये घोषणा की कि लिपिकों की मांग जायज़ है। मांग को जायज मांगते हुए कमेटी का गठन किया। सीएम साहब द्वारा कमेटी गठित की गई, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी और जीएडी सेक्रेटरी और आपके रमेश चंद शर्मा जी जो कर्मचारी कल्याण के प्रांतीय मंत्री हैं, उनको उस समिति का अध्यक्ष बनाया। हमारे लिपिक वर्गीय प्रांत अध्यक्ष को उसका सदस्य बनाया। इसके पश्चात 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिपिक पंचायत 2 बुलाई, उसी बल्लभ भवन गेट के समक्ष समिति की जो रिपोर्ट थी वो उसी महापंचायत 2 में सीएम साहब को सौंपी गई। इसके पश्चात सीएम साहब ने 2 माह का समय दिया कि 2 माह में आपकी जायज मांग है और आपकी मांग मेरे को पूरी करना है। 2 माह में आपकी मांग के आदेश जारी हो जाएंगे। इसके बाद जब नहीं हुआ तो पुनः हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों ने एक योजना बनाई और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। तो सीएम साहब ने पुनः 17 जनवरी को सीएम हाउस में हमारे पदाधिकारियों को बुलाया
और पदाधिकारियों को ये भरोसा दिलाया कि पुनः 2 माह में आपके आदेश ग्रेड पे के और जो 23 मांगों की अनुशंसाएं रमेश चंद शर्मा जी की कमेटी ने की है इसके आदेश हम जारी कर देंगे, लेकिन 2 माह से 3 माह का समय हो गया जब नहीं की, तो हमारे पदाधिकारियों ने पुनः मीटिंग की भोपाल में, जिसमें प्रांतीय संगठन 6 संगठन हैं जिन्होंने इस हड़ताल का आयोजन किया है, और वल्लभ भवन से लेकर तहसील ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्र तक के जितने भी लिपिक थे आज सामूहिक अवकाश पर हैं। हमारी इस मांग की उपेक्षा किए जाने से हमारा संवर्ग नाराज है, और इसी को लेकर ये 2 दिन का सामूहिक अवकाश हमारे साथियों द्वारा लिया गया है। हमारे चतुर्थ श्रेणी के साथी भी हैं, उनकी पीटैक्स से बिल्कुल मुक्ति दी जाए, उनको छूट दी जाए पीटैक्स में, उनकी सेवा आयु जो है 64 वर्ष की जाए और उनका नाम बदलकर वृत्त से कार्य सहायक किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमारा सामूहिक अवकाश। गाड़ियों में से बैटरी चोरी हो जाने पर मालिक द्वारा चौकीदार को पीटे जाने के चलते चौकीदार ने आत्महत्या की कोशिश की और करीब 2 घंटे तक हनुमान चौराहे पर किया हंगामा। बताया जा रहा है कि चौकीदार संजय स्टेडियम में करता था चौकीदारी, वहीं से कल देर रात 2 गाड़ियों में से बैटरी चोरी हो गई, जिनमें से 1 गाड़ी पर यह चौकीदारी करता था व ड्राइवरी भी करता था, जिसके चलते गाड़ी मालिक ने इसे बुरी तरह से मारा, जिसके चलते 1.5 से 2 घंटे तक हनुमान चौराहे पर हंगामा किया, वहीं ट्रकों के नीचे आने तक की कोशिश की। इस भयंकर गर्मी में तन पर बिना कपड़े के ये बाबा रोड पर कई बार लेटा, बार बार यही कह रहा था कि मुझे बेफिजुल में ही बदनाम किया गया है, अब मुझे नहीं जीना। हालांकि चोरी की कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं की गई है। समिति करेगी चने की खरीदी, इसके लिए बनाए गए 6 केंद्र। समिति के द्वारा चने की खरीदी करने को लेकर गुना में करीब 6 केंद्र बनाए गए हैं। आज उसी के चलते किसानों से चने के सैंपल लिया गया और जो चना उच्च क्वालिटी का होगा उसे यह समिति खरीदेगी, जिसके चलते कई किसानों को SMS के द्वारा जानकारी भी मुहैया कराई जाएगी। सैंपल बता दो सैंपल में जो एक ही क्वालिटी के अंदर जो चना आएगा उसको 100% खरीदा जाएगा। जैसे किसी अदर क्रॉप के सीड रहते हैं या कोई खरपतवार के बीज रहते हैं अधिक मात्रा में, उसको नहीं खरीदा जाएगा, और जो FA की क्वालिटी के अंदर आएगा उसको खरीदा जाएगा सभी को। और किसानों के SMS जाएंगे, उस SMS के आधार पर जितने किसान आएंगे उनका सभी को नाफेड खरीदी कर रही है, और नाफेड यहाँ पे मार्केटिंग और 2-3 समितियों को दिया गया है, 4 से 6 केंद्र बनाए हुए हैं गुना मंडी के। 6 केंद्र। आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनाव के चलते बुलाई प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने गुना में आम जनता को आमंत्रित किया है कि वह आगे बढ़कर आएं और विधायक के चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी से उन्हें टिकट देगी, जिसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी बताई हैं। इसी के साथ ही जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि नगरपालिका द्वारा किसी भी RTI का जवाब नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही बताया कि इस बार पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। बदलाव के इच्छुक और ईमानदार लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मौका देने के लिए आम आदमी पार्टी एक प्रेस वार्ता कर सबको बता रही है। आप भी आइए, आप भी आम आदमी पार्टी से टिकट पाइए, बस अट्टे 3 सेक्टर 3 C सेक्टर हमारे आम आदमी पार्टी लगें उसमें आप निकलते हैं, तो क्योंकि आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव निरंतर कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन
व्यवस्था जो आम आदमी की है वो परिवर्तन नहीं हो पा रही। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी 2018 में चुनाव लड़ेगी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आम आदमी पार्टी 2018 में सरकार बनाएगी। 7-8 रुपये यूनिट की दर से बिजली आ रही है, महिलाओं पर अत्याचार है, शिक्षा और रोजगार की कोई व्यवस्था उचित नहीं है, बेरोजगारी अधिक है, शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। ये सब व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी प्रदेश के जिले के प्रत्येक नागरिक को आह्वान करती है कि आप भी आइए और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़िए। आप ईमान आम आदमी पार्टी की पूरे प्रदेश स्तर पर प्रेस वार्ता है, विधानसभा चुनाव 2018 को लेकर प्रेस वार्ता है। आम आदमी पार्टी आम जनता से, आम नागरिक से, प्रदेश के आम नागरिक, जिले के नाम आम नागरिक से आह्वान करती है कि आप भी आइए और आम आदमी पार्टी का विधायक का फार्म भरिए और आपको भी टिकट मिल सकता है, इनको भी मिल सकता है, अन्य किसी को, हर किसी को मिल सकता है जो ईमानदार हो, जो निष्पक्ष हो, जिस पर कोई आपराधिक प्रकरण ना हो, जो चरित्रवान हो। इस प्रकार आम आदमी पार्टी खुले मंच पर टिकट के लिए आवेदन मांग रही है। ये आम आदमी पार्टी का आवेदन फार्म है, ये 14 पेज का है। निष्पक्ष इस पर कार्रवाई होगी। प्रत्येक जो प्रत्याशी फार्म भरेगा उसकी स्क्रूटनी होगी, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में जानकारी लेगा। ये हमारा आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है। 230 विधानसभाओं पर हर हालत में लड़ना है और लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारी कोशिश है। एक साथ में हमने इस प्रेस वार्ता के साथ साथ में कुछ गुना के जो कारनामे हैं, कुछ कमियां हैं, उनको लेकर भी ये हमने पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता में बताया जा रहा है। कृषि उपज मंडी रोड पर हमने एक आंदोलन किया था सड़क बनवाने के लिए। उस सड़क से संबंधित तहसीलदार ने हमको ये दिया था कि आपकी मांग आपके दल के द्वारा मान ली है, परंतु आज तक वो सड़क बनी नहीं है। तो आखिर ये कैसी मांग है जो मांग तो ली है पर तो सड़क बनी नहीं है। दूसरा, नगर पालिका में हमने जानकारी चाहने के लिए सूचना के अधिकार में जानकारी हम आवेदन दिए थे, वो आज तक जानकारी दी नहीं गई है। 12वें महीने में दिया, 2 महीने में दिया, आज तक जानकारी नहीं दी गई। चौधरन कॉलोनी की दी, कैंट से उधर सड़क कौन कौन सी बनी उनकी जानकारी मांगी गई, वो नहीं दी गई। उद्यान की विभाग में हमने चाहा था कि आपने कितने किसानों को अनुदान दिया, कितने किसानों को लाभान्वित किया, कितनी राशि हुई, उनकी जानकारी नहीं दी गई। बहुत से विभागों में जहां हमने सूचना का अधिकार आवेदन दिया, वहां से किसी से भी हमको जानकारी नहीं मिली। ये आखिर सूचना का अधिकार फिर ऐसा क्यों बनाया कि जो सरकार दबा के रह जाती है, अपनी कमियों को छिपाती रहती है और देती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नगरपालिका गेट के सामने किया धरना प्रदर्शन। पिछले दिनों संसद में हंगामे के चलते कामकाज रहा ठप, इसी के विरोध स्वरूप प्रदेश भर में 3 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर आज प्रभात झा इस धरने में शामिल हुए। धरने के बाद प्रभात झा पत्रकारों से रूबरू हुए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारा विपक्ष निकम्मा हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों और कुछ अन्य पार्टियों ने मिलकर ग्वालियर संभाग में खून की होली खेली है। इसके साथ ही यूपी के विधायक की शीघ्र गिरफ्तारी की बात भी कही। मैं आपको क्या बता देना चाहता हूँ कि ये संसद में गतिरोध केवल इसलिए पैदा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 60 साल में जो कांग्रेस द्वारा चलाई गई सरकार की नीतियाँ थी, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कुछ नहीं बोलता, कोई भी मेरा निवेदन है। आरक्षण के विषय पर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि अंबेडकर जी का एक समझौता हुआ था 1935 में अंग्रेजों के साथ, आरक्षण की कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खत्म करने वाली बात आए, ये स्पष्ट अपनी धारणा बना लें। दूसरे
और 70 तक सत्ता में था भी रहे। पहले ये बताया कि अंबेडकर को क्यों पीछे धकेल के बाबू जगजीवन राम को ले आए थे, और बड़ा षड्यंत्र था ये, जब महापुरुष को पीछे धकेल दिया और बाबू जगजीवन राम को आगे ले आए। चलो कोई बात नहीं भाई, आगे तो कोई बात नहीं, पर जब वो अंतकाल हुआ तो उनका दाह संस्कार बिहार के सहसा गांव में कराया, दिल्ली में नहीं कराया। पर दिल्ली में क्या हम विदेशी लोगों का दाह संस्कार कराएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। हमारे देश का निवासी, हमारे देश का जन सेवा, उसका दाह संस्कार उसकी जन्मभूमि से होता है, और विदेश का कोई नेता बन जाए ना उसका दाह संस्कार दिल्ली में होता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अनुसूचित जाति के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है, ये हमको ध्यान रखना। 2 तारीख को भारत बंद, बहुत बढ़िया भैया, उसको तो ना भारत बंद खोलने रोका है। और मुझे ये तो बताओ कि कार चलाना, मोटर जलाना, मोटरसाइकिल जलाना, और बीमार आदमी एम्बुलेंस में जा रहा है तो उसको रोक लेना और उसको उसकी मृत्यु हो जाना, ये भारत बंद में कहीं नहीं था। नहीं पहले भारत बंद में होने चाहिए, ये हम सबको विचार करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। एक और चीज बता देता हूँ, ये सुन लो आप, 70 वर्ष हो गए देश को स्वतंत्र हुए, प्राथमिक विद्यालय से और यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय तक देश तक कायम हुए। कौन के कारण कायम हुए? कांग्रेस के कारण। पर ऐसे वे विश्वविद्यालय कैसे बन गए, उनके छात्र कैसे निर्मित हो गए, कि जो कहते हैं कि भारत के लिए टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं हम विश्वविद्यालयों में भाई? तो ये तो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी विचारणीय विषय है। दूसरा, बहुत अच्छी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित है, मोटी मोटी 3-4 बातें के लिए ये विशाल धरना आयोजित किया। आज देश में प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में धरना पर कहीं ना कहीं विशाल धरना कहीं अनशन पर बैठे हुए हैं। वो इसलिए नहीं बैठे, हम केंद्र में भी सरकार में है और राज्य में भी सरकार है, एक लोकतंत्र की पीड़ा है, लोकतंत्र की हत्या की है कांग्रेस ने, और केवल लोकतंत्र की हत्या लोकसभा में राज्यसभा में नहीं, बल्कि उन्होंने ये हत्या की है पूरे देश के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश बिहार कहीं चलने नहीं दे रही। आपको मालूम है अच्छा काम करना कठिन होता है, बाजार बंद कराना बहुत आसान है। अभी दो लोग निकल जाए सब चारों बंद करने के, क्योंकि संपत्ति से सबको वो होता, लोकसभा चलने नहीं थी, अनेक बिल जो जनता के हित में आने से नहीं आते, कोई संसदीय क्षेत्र का दृश्य नहीं बन, और ये बदलना है। कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, अभी तो हमको 5 विधानसभा फिर से जीत ली, 5 विधानसभा, इतिहास बदलना पड़ेगा। जब हम देखिए त्रिपुरा की बंगाल में हालत खराब है, बंगाल है, कर्नाटक में तैयारी शुरू हो गई है, सारे कार्यकर्ता मुंगावली जी के थे, मुंगावली का आपको याद है 27,000 से हारे थे और 25,000 23,000 को फसवा ले गई, 50,000 का मार्जिन पूरा करके मात्र 2,124 वोट से वहां रह गई। इसका मतलब भैया खटखटे पे है, एक धक्का जरा लगा दो एक बार, 11 नवंबर उसके बाद 2019 का भाई सब पार हो जाएगा, लेकिन आपको एक दर्द होना चाहिए। जब भारत के 20-21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी होना और इनका जब तक ये होगा नहीं, क्या होता है अंधों में खाना राजा, अब वहां लगता है क्या गुजरे वहां गुजरे, देश की संसद आपको इसलिए नहीं देखते है आप गुना की अंदर इसलिए नहीं मिल रहा, क्या वहां संसद नहीं चलने और इतने मजबूत नहीं हो, लेकिन नहीं चलने देंगे तो कोई भी चाहिए कर सकता है, फिर में डूब जाते हैं। जैसे उनके डीएनए रिपोर्ट बनाई गई
कैसे उन लाशों को लाना है, इसकी जिम्मेदारी के साथ सुषमा जी जो भारत की विदेश मंत्री है वो इस विषय को रखना चाहती। लेकिन भाई और बहनों, सुषमा जी ने बहुत दुख के साथ लोकसभा के प्रांगण में कहा, मैंने राज्यसभा में तो रख दिया, लेकिन लोकसभा में अगर किसी ने नहीं रखने दिया और भारतीय सब के साथ किसी ने श्रद्धांजलि नहीं देने दी तो उस व्यक्ति का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इससे डरना घटना क्या हो, सबसे ज्यादा उधम कर रहे थे भारतीयों की मां बहने रो रही जिनके लिए लोकसभा श्रद्धांजलि इसलिए चुना गया था आपको, सुषमा जी को बोलना पड़ा प्रेस के भीतर मैं आज बहुत दुखी हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया से जिसने भारतीय मृतकों को संसद में श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने। क्या राजनीति इतने नीचे चली गई है, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, क्या मौत से जो लोग झूठ कर रहे थे मर रहे थे मरे थे क्या उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जाएगी, क्या कांग्रेस कितनी घटिया स्तर पर हो गई है। आज देश को ये बताने के लिए ये विशाल धरना रखा, लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, एक पहिया सत्ता होता है एक विपक्ष होता है, दोनों के बिना नहीं चलती। लेकिन देश में जब नासमझ विपक्ष हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। सत्ता ने रोज अनंत कुमार ने सुमित्रा ताई महाजन ने कहा कि बहस कराइए हम तैयार हैं, नहीं बहस न चर्चा, किसका दोष है ये देश की जनता चाहती है। आपने सुना होगा अमित शाह को भी आज तक के चैनल पर सब चैनलों पे कि उन्होंने साफ कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार, लेकिन मैं खुद संसद में हूँ राज्यसभा में, हमने कहा आइए बात करिए न चर्चा कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस तो देश खा गई पूरा, वो वेतन क्या देगी। ये तो नैतिक रूप से हमारे जब प्रधानमंत्री ने कहा तो एक एक एनडीए के कार्यकर्ता ने अपना भत्ता सहित वेतन 50,000 रूपए और 23 दिन का भत्ता 46,000 रूपए 94,000 रूपए उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। राजा यूपी के विधायक की भी लेट गिरफ्तारी क्यों हुई रेप के बाद, इस घटना हाईकोर्ट ने संज्ञान में ले लिया था, FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई SIT बन गई है और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बक्सा नहीं जाएगा, जांच शुरू कर दी। समाजवाद चल रहा है क्या, समाज सहयोग कर रहे हैं विधायक? नहीं नहीं, आप भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, आपकी उपस्थिति के लिहाज से धरने की संख्या ठीक है? देखिए मैं संख्या नहीं संकेतात्मक है, ये प्योर कार्यकर्ताओं का था, हमने जनता को नहीं बुलाया, इसलिए 2 दिन पहले तैयारी शुरू हुई है। मैं बधाई देता हूं राधेश्याम जी पारिक को कि उन्होंने बहुत अच्छा धरना रखा है। वैसे प्रधानमंत्री को जो प्रदर्शन हुआ है इसमें असल में तक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश का कुछ लोगों ने, मैंने कहा ना कि कांग्रेस सपा बसपा सबने मिल के खून की होली ग्वालियर चंबल संभाग में खेली। वैसे प्रधानमंत्री जी ने भी सभी विधायकों से भाजपा के बोला है कि आप लोग अपने क्षेत्रों में जाएं और गांवों में जाके भ्रमण करें, लोगों से मिलें, क्योंकि अभी तक नहीं जाते थे क्या? नहीं नहीं, सब जाते थे, उन्होंने ये कहा उनके घर बैठे रुके भोजन करें, टिफिन प्रोग्राम करें, कार्यकर्ताओं से मिले, जनता के साथ भोजन करें, बातचीत करें, समस्याओं को देखें। ये तो एक नेता का गुण होता है कि वो सबको बताए और यही इसीलिए बताया चल रही है आजकल में, क्या संकेत मिल रहा है? मैं दौड़ में नहीं हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा की समाप्ति के बाद घर लौटे किशन सिंह यादव, वह दिग्विजय सिंह के साथ नर्मदा परिक्रमा में पहले दिन से ही शामिल थे। आज आजारौन तहसील के ग्राम पंचायत ककरुआ के किशन सिंह यादव 6 माह 13 दिन से यात्रा के समापन कर अपने घर वापस लौट आए। इस अवसर पर आरौन नगर में एक विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया। व्यापारी वर्ग एवं राजनीतिक नेताओं के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर एवं आतिशबाजी व ढोल नगाड़ों के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में राधोगढ़ विधायक जबर्धन सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही समस्त कांग्रेसी नेता व हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए।
से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। जन अभियान परिषद के द्वारा चलो कुआं और बावड़ी की ओर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में बताया जाएगा। वहीं लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि वे कुओं को बंद ना करें, क्योंकि कुओं में जब बारिश का पानी बैठता है तो वह जल स्तर को बढ़ाता है। आज उसकी प्रारंभिक शुरुआत माता मूर्धा से की गई। इस अभियान में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहयोग भी प्रदान किया। इस गांव के स्वच्छता के भाव से काम करने वाले मूलचंद जी से आज कुछ चर्चा करेंगे कि उनके मन में ये काम करने का भाव कैसे जगा। मूलचंद जी बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है, मैं इसी गांव माता मूढ़रा का निवासी हूँ और हम देख रहे हैं कि आजकल जल की बहुत समस्या है और इसका कारण हम सब स्वयं ही है, क्योंकि हमने जल को संरक्षण का काम नहीं किया, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि पानी की त्राई त्राई मची। हमें अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं ऐतिहासिक, इनका जीर्णोद्धार का काम करना चाहिए, जिससे जल का संरक्षण हो और पानी की समस्या दूर हो। इस बावड़ी का प्राचीन महत्व भी है कि ये माता जी की बावड़ी है और इसका जल चर्म रोग पर लगाने से चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है, थोड़ी फुंसियाँ दूर हो जाती है। बरसात के दिनों में इसमें साफ पानी भरा होगा और दूर दूर से श्रद्धालु इस बावड़ी का जल लेने आते हैं। ग्रामपुरा में निकाली गई कलश यात्रा। लोधा लोधी राजपूत समाज के द्वारा श्रीमद भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली गई। गांव में 7 अप्रैल तक भागवत कथा का आयोजन होगा। इसके उपरांत 2100 दियों से महाआरती की जाएगी। मात्र 20 मिनट के समय में उत्तर प्रदेश के कानपुर से फरार हत्या का आरोपी पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक गुना पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से फरार हत्या का आरोपी गुना बस स्टैंड पर इंदौर जाने की फिराक में है, जिस पर पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल ने एक पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें उप निरीक्षक अमित अग्रवाल को उक्त हत्या के आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ने के निर्देश दिए, जिस पर उप निरीक्षक ने तत्काल बस स्टैंड के आसपास घेराबंदी कर हत्या के आरोपी को पकड़ लिया। पिछले साल 22 नवंबर 2017 को आरोपी मनोज चौहान ने अपनी पत्नी अंजलि चौहान की मामूली विवाद होने पर गला काट कर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था, जिस पर आरोपी मनोज चौहान को गुना में पकड़ा गया। डॉक्टर की लापरवाही से गई एक युवक की जान। आज सुबह आरोन के स्वास्थ्य केंद्र में 5 बजे एक युवक को लाया गया। परिजनों ने बताया कि युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद काफी देर तक इंतजार करने के बाद डॉक्टर ने उक्त युवक को देखा और कुछ दवाइयां लिखकर दी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने युवक को छूकर तक नहीं देखा कि उसे क्या दिक्कत हो रही है और न ही उसके पेट से जहर निकालने की कोशिश की गई। वहीं परिजनों ने यह भी बताया कि उक्त युवक को देखने का कोई और डॉक्टर भी नहीं पहुंचा। समझ से परे है कि आखिरकार आरोन में स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को हुआ क्या है, कैसे हो सकता है कोई डॉक्टर इतना निर्दयी। अगर डॉक्टर थोड़ी सी कोशिश कर लेते तो शायद उक्त युवक की जान बचाई जा सकती थी। जब हमने डॉक्टर से बात करना चाही तो उन्होंने मीटिंग बताकर फोन काट दिया। उसके साथ जो हुआ तो मैंने कहा तो गोली खाई का करो, जो तो हमें पता नहीं है। हमने स्पष्ट बोला गोली की जाना
गोली खा लगी। और अस्पताल में ला के क्या सुखा भाव? अस्पताल में ला के ब्रेंच पे पटक दो, बाहर है, पटक के उनको जगाए। जगाने के बाद भी निकल के आए, बड़ी देर में निकल के आए। सो बिन ने हमको देखा, कचू नहीं ऐसे ठाड़े होकर देख करके ऐसे, और पर्चा लगता, एक बाटल लग गई और इंजेक्शन वंजेक्शन लगे होंगे, बज्जे करा और उंगली रख के नहीं दे। अच्छा, शरीर को टच भी नहीं किया? नहीं नहीं। मलखान सिंह प्रजापति नाम का एक 19 वर्षीय व्यक्ति सल्फास जैसा कोई जहरीला पदार्थ खाकर अस्पताल अराउंड में आया था, जिसका यहाँ पर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और उसका मर्ग कायम होकर जीरो पर कायम हुई है, क्योंकि थाना आनंदपुर का घटनास्थल है और उसकी जांच की जा रही है। पीएम हो गया है। अराउंड से हमारे सहयोगी चंद्रेश अग्रवंशी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।